बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ट्रेंड्स हाई स्कूल हसन अब्दाल। आई एम इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 2। इट्स आवर लेक्चर नंबर 12। एज यू नो स्टूडेंट्स, हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई थी। आज हम ऐसे रिवाइज करेंगे, माय स्कूल, मेरा स्कूल ऐसे रिवाइज करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, माय स्कूल नेम इज ट्रेंड्स हाई स्कूल। मेरे स्कूल का नाम है ट्रेंड्स हाई स्कूल, ठीक है? आपने ट्रेंड्स का टी, हाई का एच और स्कूल का एस कैपिटल लिखना है, क्योंकि ये स्कूल का नेम है। और हमने पढ़ा था कि जो स्कूल का नेम होता है, मतलब कि जो जगह का नेम है या फिर किसी शख्स का नेम है, तो वो हम उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लिखते हैं। इसलिए हमने ये जगह का नेम है स्कूल, तो इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखे हैं। ओके, माई स्कूल नेम इज़ ट्रेंड्स हाई स्कूल। सेकेंड है, इट इज़ लोकेटेड ऑन हज़ारा रोड। ये कहाँ पर वाक़िया है? हज़ारा रोड पर। लोकेटेड मतलब वाक़िया है, एल ओ सी ए टी ई डी, लोकेटेड। हज़ारा रोड में हज़ारा का एच और रोड का आर बड़ा, ठीक है, कैपिटल हमने लिखा है। ट्रेंड्स हाई स्कूल की तरह हज़ारा रोड भी जगह का नाम है, ठीक है? ये रोड का नेम है हज़ारा रोड, इसलिए हमने हज़ारा का एच और रोड का आर कैपिटल लिखा है। अंडरस्टैंड? नंबर 3, इट हैज़ 20 रूम्स। इसमें 20 कमरे हैं, ठीक है? रूम्स किसे बोलते हैं? कमरों को। फोर्थ है, इट हैज़ 30 टीचर्स। इसमें 30 टीचर्स हैं, 30 टीचर्स, टी ई ए सी एच ई आर एस, टीचर्स के 30 उसातज़ा हैं। 5 है इसकी लाइन, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। ओके, एल आई के ई लाइक, एम वाई माई स्कूल वेरी मच। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, माई स्कूल नेम इज़ ट्रेंड्स हाई स्कूल। इट इज़ लोकेटेड ऑन हज़ारा रोड। इट हैज़ 20 रूम्स। इट हैज़ 30 टीचर्स। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे हमने आज रिवाइज़ किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपने ये ऐसे अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, इसको याद कर लेना है और रफ कॉपीज पे इसको लिखना भी है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।